नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे किचन में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, और जो आपको पसंद आने वाली है, तो चलिए बना लेते हैं। तो आज जो हम बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहले हम आटा गूंद लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, 2 कटोरी गेहूं का आटा, 3 से 4 चम्मच हम यहाँ पे लेंगे सूखे दूध का पाउडर, नमक उतना डालें जितना आप आटे में नॉर्मल डालते हैं, 1 चम्मच देसी घी, वैसे तो आप इसमें बटर भी डाल सकते हैं बट नमक कम डालना। फिर अब दूध से हम इसका आटा गूंदेंगे, और आटा कैसे गूंदना है, जैसे हम नॉर्मल पराठे स्टफ करने के लिए आटा गूंदते हैं उस तरह का, थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके उसके बाद ही हमें आटा गूंदना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक साथ डाल दो और फिर गूंदते रहो बैठ के उसमें आटा मिक्स करके, वो मत करना, ठीक है। तो ये आटा हमारा तैयार है। अब हमें क्या करना है, हल्का सा हाथ में घी लेंगे और इस आटे के ऊपर लगा करके थोड़ी देर इसे छोड़ देंगे, क्योंकि हम इसमें नमक डालते हैं तो इसलिए। चलिए इसे ढक के रख देते हैं। तो चलिए अब इसके लिए एक स्टफिंग बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले रखा है 1 कप कच्चा नारियल, जिसे मैंने घिस के रखा हुआ है, क्रश किया हुआ इलायची दाना, 1 चम्मच अलसी के बीज जिसे मैंने रोस्ट करके रखा हुआ है, क्रश किए हुए बादाम और काजू, और जो भी ड्राई फ्रूट आपको यूज करने हैं वो आप कर सकते हैं, जैसे मैं इसके अंदर पिस्ता भी ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच गुड़ का पाउडर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, जिसको खांड कहते हैं, बाकी आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मीठा आपके अपने स्वाद के हिसाब से। 1/4 सफेद मिर्च का पाउडर, आपके पास काली है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप काली मिर्च का पाउडर स्किप मत करिएगा, डालिएगा जरूर, जब आप डालेंगे तब आपको पता लगेगा मैंने क्यों कहा था। तो इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और फिर बनाने की तैयारी करते हैं। तो चलिए बना लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें आटे को दोबारा एक बार गूंदना जरूर चाहिए, तो वो हम कर रहे हैं यहाँ पर। अब जैसे नॉर्मल हम आलू के पराठे वगैरह जो भर के बनाते हैं, या गोभी के पराठे, आप जो भी पराठा स्टफ करके बनाते हैं उस तरह से बनाएं, और छोटा या बड़ा आपकी अपनी मर्जी है, जैसा आपको बनाना है। बस इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेकिए, और उसके बाद आपको ऑयल, तेल, घी जो लगाना है आप लगाएं, और बिना तेल घी के भी बहुत अच्छा बन जाता है। बस आप अपने हिसाब से इसे जैसा चाहे सेक सकते हैं, और आटे का भी है कि अगर आपको मैदा में बनाने हैं तो मैदा में बना लीजिए। तो देखिए हमारे ये बन के तैयार हो गया। मैं एक आपको कट करके दिखाती हूँ, क्योंकि गर्म बहुत है। तो ये देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, देखने से ज़्यादा तो ये खाने में अच्छा लगेगा। तो खाएंगे कैसे, आप बनाएंगे तभी ना खाएंगे। तो चलिए बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। तो फिर बने रहिए मेरे चैनल के साथ। आपका मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।